आज हम क्लास 11th के जो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे रिलेटिव लॉस्ट हमने लास्ट टाइम किया था उसके रिगार्डिंग नमेरिकल करते हैं। दिल्ली इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला। ए सेट्स आउट फ्रॉम अम्बाला एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड बी सेट्स आउट एट द सेम स्पीड फ्रॉम दिल्ली एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर व्हेन दे विल मीट इच अदर। क्लियर? तो हमसे पूछा गया कब वो दोनों आपस में मीट करेंगे, वो टाइम हमसे पूछा गया। अम्बाला के मैंने ए लिखा है, दिल्ली के लिए मैंने कैपिटल डी लिखा है। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। अब जो हमारे पास ए सेट्स आउट फ्रॉम अम्बाला एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और जो दिल्ली से जो स्पीड है वो हमारे पास है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों के दोनों एक वन डायमेंशन में और अपोजिट है, मीन्स यहाँ पर जो थीटा है, अभी मैंने प्रॉपर्टी बता दी थीटा 180 डिग्री, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पे वी ए बी, वो हमारे पास क्या आएगा, दोनों का सम वी ए प्लस वी बी। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 30 प्लस 20 50 किलोमीटर पर आवर। अब जो हमारे पास जो पता है स्पीड का, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय में टाइम, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है और टाइम क्या है। डिस्टेंस हमारे पास है 200 किलोमीटर और टाइम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो टाइम ऊपर चला जाएगा, 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय में स्पीड कितने 50 किलोमीटर पर आवर, तो इससे कैंसिल होगी तो हमारे पास कितना आएगा 4 आवर। तो ये 4 आवर वो टाइम है जब वो दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे। आपसे ये पूछ रहा था ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा उस टाइम तक, तो हमें स्पीड पता है टाइम पता है, मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 4, तो ये 120 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस कवर कर लेगा जिस पॉइंट पर दोनों मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वो पॉइंट है, ये कितनी डिस्टेंस करेगा 20 × 4 80 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां हम दोनों मीट करेंगे, कट करेंगे। क्लियर? तो ये वो हमारे पास वो पॉइंट होगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए हमारे पास, क्योंकि इंस्टेंटेनियस जो हम पढ़ते हैं वेलोसिटी और एवरेज जो वेलोसिटी है उसको किस प्रकार से हमारे पास सोल्व किया जाता है। ये हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी स्क्वायर। ये हमारे पास एक टाइप से डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, पर्टिकुलर यूनिट इनके साथ कॉरस्पॉन्डिंग यूज की गई है एंड टी इज टाइम मेजर्ड इन सेकेंड। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी एट 0 सेकेंड। किसी एक टाइम की बात की जाए, टाइम की इंटरवल की बजाय, तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमसे पूछी गई एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम डी एस बाय डी टी, या फिर एक्स है तो डी एक्स बाय डी टी, अगर आर गिवन होता तो हम लिखते हैं डी आर बाय डी टी। तब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी इंटू टी स्क्वेयर। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, अब b कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, टी स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 × t। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, 0 सेकंड में पूछा तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास था फर्स्ट का जवाब, टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। अब हम बात करेंगे टी इज इक्वल टू 2.0 सेकेंड, तो वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 2.0 सेकेंड। तो 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 × 4 बी इंटू में 4, बी की वैल्यू कितनी है ऊपर गिवन है 2.5, 2.5 किया 4 से मल्टीप्लाई है तो कितना आएगा 10.0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास सेकेंड का जवाब हुआ। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, इंटरवल गिवन है, तो ये नहीं होगा कि यहाँ पे हमने यही वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट पर है 4 सेकंड पर माइनस डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड पर डिवाइडेड बाय में टाइम, टाइम कितना 4 − 2। तो 4 पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना था ए प्लस में, यहाँ पर हम 4 पुट कर तो कितना आएगा 16 बी माइनस, अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो ए एज इट इज, क्योंकि यहाँ टी नहीं है तो वैल्यू पुट नहीं होगी, माइनस 2 × 4 × b डिवाइडेड बाय में 2, ए से कैंसिल, 16 − 4 कितना आएगा 12 b डिवाइडेड बाय में 2, ये हुआ 6, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू 2.5
फाइव। तो इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। टू से करेंगे थ्री पे, टू से करेंगे फाइव पे, फाइव पे फाइव, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसके लिए आंसर रहेगा सेकेंड पार्ट के लिए। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, कंप्लीट स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन के, इसके टाइप्स टाइप्स एंड ग्राफ्स। फिर हम करेंगे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड इंटीग्रेशन मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड जो हमने क्लास नाइन्थ में स्टडी किया था, नंबर टू हमारे पास इंटीग्रेशन मेथड, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, क्या होते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज द rate of change of velocity with the corresponding time taken by the object particle, clear। तो acceleration जो होगी हमारे पास वो होगी rate of change of velocity dv/dt, हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉल की फॉर्म में, या फिर हम इसको फाइनल माइनस इनिशियल v2 - v1/t2 - t1 इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब एक्सेलरेशन के बारे में, नंबर वन तो ये वेक्टर क्वांटिटी, एस आई यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। CGS यूनिट वो हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेयर। जो डायमेंशन फॉर्मूला है मैंने निकालना सिखाया भी था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, डायमेंशन फॉर्मूला जो है m0 l1 t-2। एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव तब होगी जब वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज करे, जब वेलोसिटी बढ़े इंक्रीज करे। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उस केस में उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोला जाएगा। नेगेटिव कब बोलेंगे? जब वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज हो रही, कम हो रही, चाहे पॉजिटिव में कम हो रही हो, पहले 30 मीटर पर सेकंड 20 टेनिस टाइप से, क्लियर, तो उसको हम नेगेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। नेगेटिव को हम रिटार्डेशन या फिर डिसलरेशन भी बोलते हैं, क्लियर, वेलोसिटी डिक्रीज करे किसी ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में, इसकी एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बात की। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारे पास टाइप्स है, फिर ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके टाइप्स हमारे पास ऐसे हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ते थे वैसे इसके बारे में देखे से बस। एक्सेलरेशन के अंदर हम जो पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नंबर टू नॉन यूनिफॉर्म, नंबर थ्री एवरेज एक्सेलरेशन, नंबर फोर हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म में क्या होगा? इफ द चेंज इन वेलोसिटी, जो इंटरवल जो होगा, इंटरवल ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज सेम इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी के जो चेंज होने का इंटरवल जो है वो इक्वल हो, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ जो इंटरवल है वो अनइक्वल हो, चेंज इन वेलोसिटी का जो इंटरवल है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, वो अगर इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एवरेज क्या होगा, जब डिफरेंट हमारे पास इंटरवल होंगे उस टाइम पर जो एवरेज जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज होगा किसका, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास होगा एवरेज एक्सेलरेशन फॉर डिफरेंट मतलब अनइक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो हमारे पास लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, अभी जैसे डिफरेंशिएशन किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये था हमारे पास एक्सेलरेशन के बारे में, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एवरेज एंड